मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड एंड यू? आई एम गुड। तो देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा डिड यानी डिड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो डिड होता है वो पास्ट में यूज़ होता है, यानी पास्ट में हमने कोई काम किया, जैसे मैंने खाना खाया, मैं मार्केट गया। और डिड के साथ जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिड के साथ जब भी हम आंसर देते हैं तो सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब हम डिड के साथ मना करते हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म आती है। और 90% सेकंड फॉर्म हम ईडी से बनाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या तुम आए तो होगा डिड यू कम, अगर मुझे आंसर देना होगा तो आई केम, अगर मैं नहीं आया तो आई डिड नॉट कम। लेकिन ये डिड सबको समझ में आ जाता है, सबके माइंड में आ जाता है, लेकिन टंग पे नहीं आता है। तो आज हम बोल बोल के बच्चों को डिड का ना क्लियर कराते हैं, आप भी हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टैंड जो खड़ा करते हैं वो गायत्री को, गायत्री आप खड़े जाएंगे। सो गायत्री सबसे पहले सीधा कैमरा, गुड मॉर्निंग गायत्री। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? गुड एंड यू सर? आई एम गुड। हाउ इज योर लाइफ? इट्स ऑल गुड एंड योर लाइफ? माय लाइफ इज गुड। गायत्री सीधा कैमरा प्लीज। सो पूछो मुझसे, क्या तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? आंसर दो, मैंने खाना खाया। आई ईट फूड। आई एट फूड। आई एट फूड। मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट फूड। वेरी गुड। तो आपने देखा अभी गायत्री से भी गलती हो गई थी, लेकिन गायत्री को डिड आता है, राइट? लेकिन फिर भी बोलते समय क्या हो रहा है? मिस्टेक्स हो रही। क्यों? क्योंकि गायत्री के ना टंग पे डिड नहीं है। तो आज हम आप लोगों के डिड कहाँ पर लेके आएंगे? टंग पे। लेकिन टंग बाहर नहीं आएगी, क्या आएगा? डिड बाहर आएगा, यानी कि टंग आपकी खोलेगा, यानी डिड पे टंग आएगा, राइट? ठीक है। तो गायत्री फिर तैयार हो? यस। तो पूछो मुझसे, क्या तुम्हारे पापा ने खाना खाया? डिड योर फादर ईट फूड? मेरे पापा ने खाना नहीं खाया। माय फादर डिड नॉट ईट फूड। क्या तुम मार्केट गए? डिड यू गो टू द मार्केट? मैं मार्केट गया। आई गो टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट। पूछो मुझसे, क्या तुम्हारे अंकल ने खाना बनाया? डिड योर अंकल मेक फूड? मेरे अंकल ने खाना बनाया। माई अंकल मेक फूड। क्या होगा? माई अंकल मेड फूड। क्या होगा? मेरे अंकल ने खाना नहीं बनाया। माई अंकल डिड नॉट मेक फूड। वेरी गुड। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट गलती करेगा तो यहाँ पे ऑडियंस में कोई भी बता सकता है, ठीक है, पर्सनली भी। क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना, ही डिड नॉट ईट फूड। क्या तुमने मूवी देखी? डिड यू वॉच मूवी? डिड यू वॉच द मूवी? मैंने मूवी देखी। आई वॉच द मूवी। मैंने मूवी नहीं देखी। आई डिड नॉट वॉच द मूवी। क्या तुमने खाना बनाया? डिड यू मेक फूड? मैंने खाना बनाया। आई मेक फूड। I made food. क्या तुमने गाली दी? Did you abuse? मैंने गाली दी। I abused. मैंने गाली नहीं दी। I did not abuse. क्या रजनी ने गाना गाया? Did Rajni sing the song? रजनी ने गाना गाया? Rajni sang the song. रजनी ने गाना नहीं गाया। रजनी डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। वेरी गुड। क्लैप फॉर गायत्री। अब सेकंड आप मैम खड़े हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू? आई एम गुड। एंड व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पलक। वेरी गुड पलक। पलक सीधा कैमरा, राइट? तो पलक, आज हम डिड पे रिवाइज कर रहे हैं। जैसे भी आपने देखा, हमने गायत्री का रिवाइज कराया था। डिड पे सबको प्रॉब्लम होती है, जैसे बोलते समय। तो आपको ध्यान रखना है कि डिड के साथ जब हम क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ मना करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ आंसर देंगे तो सेकंड फॉर्म। तो पूछो मुझसे, क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू द स्कूल? मैं स्कूल गया। आई वेंट टू द स्कूल। मैं स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट वेंट टू द स्कूल। नो, आई डिड नॉट। आई डिड नॉट गो टू द स्कूल। गो टू द स्कूल, राइट? पूछो मुझसे, क्या तुमने कपड़े धोए? डिड यू वॉश द क्लोथ्स? मैंने कपड़े धोए। I washed the clothes. मैंने कपड़े नहीं धोए। I did not wash the clothes. पूछो मुझसे, क्या तुमने इंग्लिश बोली? Did you speak English? मैंने इंग्लिश बोली। I spoke English. मैंने इंग्लिश नहीं बोली। I did not speak English. पूछो मुझसे, क्या तुम्हारे पापा ने इंग्लिश बोली? Did your father speak English? मेरे पापा ने इंग्लिश बोली। My father spoke English. मेरे पापा ने इंग्लिश नहीं बोली। My father did not speak English. Very good. Clap for Palak.
तो देखो फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह से हम डिड को हमने क्लियर किया। तो डिड हर किसी के माइंड में तो लेकिन टंग पर नहीं है, तो इसलिए आज हमने बोल बोल के क्लियर किया। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया, बैठ जाइए पलक। आप लोगों को समझ में आ गया कि जब हम डिड के साथ क्वेश्चन करते हैं तो कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और जब हम डिड के साथ आंसर देते हैं तो, और डिड के साथ मना करते हैं तो। तो एक बार कैसे बोलेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, स्टॉप मुन्ना।